जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज जो बात करेंगे वो बात होगी जेल योग के बारे में। कब घटित होता है, कुंडली में किन ग्रहों के द्वारा ये घटित होता है, तो जेल योग में पूरा परिवार दुखी रहता है। संतान, पत्नी, माँ, बाप, भाई, अर्थात सब दुखी हो जाते हैं उसमें। और अगर इंसान कोई गलत काम भी ना करे फिर जाए तो काफ़ी पीड़ा होती है। तो कुंडली में जब सामान्य रूप से देखा जाए तो राहु 12वें भाव में स्थित होते हैं, द्वादश भाव में स्थित होते हैं, तो जेल योग का निर्माण करते हैं। यदि वो दृष्टि भी डालें 12वें भाव पर तो भी संभावना बना देते हैं। लेकिन यह प्रबल योग नहीं है जब तक मंगल ग्रह जो है वो अपनी दृष्टि ना डाल दे। यदि राहु ग्रह 12वें भाव में स्थित है और मंगल की उस पर दृष्टि पड़ रही है, चौथी, सातवीं और आठवीं, तो जेल योग घटित होता है। इंसान को जेल जाना पड़ता है और यह है गोचरवश जब मंगल और राहु की, अब जैसे बात करें सिंह राशि की, पिछले साल कर्क राशि में राहु था और मंगल घूमते घूमते मकर राशि, दृष्टि संबंध हुआ, सिंह राशि के 12वें था, तो सिंह राशि के जो काफ़ी लोगों को जेल योग घटित हुआ गए, वो देखते हैं कि बलाबल कितना है, उसके हिसाब से छूट भी सकता है आदमी या फंसा ही रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह योग है जब राहु 12वें में हो और मंगल के साथ उसका दृष्टि संबंध हो, मंगल उस पर दृष्टि डाल दे तो जेल योग घटित हो जाता है। क्योंकि मंगल नीच ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है, शनि भी अगर दृष्टि डाल दे तो चांस बनते हैं, लेकिन मंगल और राहु एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं तो ये संभावना ज़्यादा प्रकट कर देते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए राहु और मंगल का दृष्टि संबंध कहाँ है। तो इस अगले वीडियो में मैं आपको इसका जेल योग का, जो घटित नहीं हो, बार बार जेल जाने की नौबत आ जाए, झूठे केस में फंस जाए या सज़ा हो गई हो, कैसे बचें, कैसे बाहर आएं, तो मैं उसको उपाय बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में आपको मैंने यह योग बताया है कैसे घटित होता है। तो अभी के लिए अलविदा, जय श्री कृष्ण।